जाम ही इतना भयानक हो जाता है ना जब ट्रेन क्रॉस करते हैं ना, तो जाम काफी भयानक हो जाती है। ये देखो पीछे दिख रहा है ना जाम, देखो भाई। प्लस अभी तो कुछ नहीं, ये रास्ता देखो कितना पतला सा है। मतलब कोई भी अच्छा सा मंदिर होते हैं ना या फिर कोई भी धाम होते हैं ना, उधर का रास्ता ऐसा ही होता है, क्योंकि भगवान हमेशा कठिनाई में ही बुलाते हैं गाइस। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारी वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, अभी अपन लोग गाइज मतलब कपड़ा वपड़ा ऐसे अभी रनिंग करके आए और ऐसे ही पहन के आज कहीं निकलने वाले गाइज। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का जय श्री राम गाइज, कैसे हो? राम राम भाई। सो मेरा मानना है गाइज, जब भी दिन का शुरुआत करो ना तो जय श्री राम 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 बोल लो, दिन काफ़ी अच्छा जाता है गाइज। तो मैं भी, आप जो भी रिलीजन से होगे, मुस्लिम सिख ईसाई जो भी होगे, अपने भगवान का नाम लोगे यार, दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। हालांकि भगवान एक ही होते हैं, सबका मानना अलग अलग होता है, तो जो भी मानना मानो भाई, बस दिन का शुरुआत भगवान का नाम से करोगे काफ़ी अच्छा होगा। सो अभी अपन लोग जाने वाले गाइस संत बाबा के पास, क्योंकि हमने उनके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, हमारा दोस्त लोगों ने काफ़ी लोग बताया, प्लस मेरे मम्मी पापा सारे लोग बताए हैं। और ये देखो अभी स्कूल का टाइम है, ये अपना RPS स्कूल और इधर NCS नेशनल आसा मेमोरियल। हम लोग नेशनल चप्पल चोर बोलते थे पहले इसको, NCS का फुल फॉर्म, बट ये आसा मेमोरियल है। तो फाइनली भाई देखो अभी स्टेशन के काफ़ी पीछे हैं, लाइक यहाँ से काफ़ी नहीं, थोड़ा बहुत पीछे हम लोग हैं। देखो गाइस इधर का ये तालाब भी भर चुका, सामने की साइड एक ट्रेन भी लगी हुई है, हालांकि मेरे को लग रहा है वो ऐसे ही खड़ा होने वाली ट्रेन है, बट इस टाइम तो अभी सरंजीवी का टाइम है गाइस, 8:30 बजे के आसपास सरंजीवी आती है, तो शायद में भी रोड भी उधर ब्लॉक हो गई होगी। सो अभी फिलहाल तो इधर से जा ही रहा है। और तो फाइनली गाइस अभी तो अपन लोग बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के पास ही है, बस उस तरफ अपने को होनी है। सो फाटक बंद है, जाम भी लगा हुआ है, ये देखो पूरा जाम है, प्लस अपना गाड़ी यहाँ से निकल रही है, देखो टिक्की बज ना जाए, बस यही देखना है। ये लो भाई देख रहे हो जाम, फाटक बंद है क्योंकि अभी ट्रेन क्रॉस करी है ना, 1:15 में एक ट्रेन है, कोई लोकल ट्रेन है। मेरे को तो पता था गाइज कि 8:30 बजे सरंजीवी होती है, 6 बजे के बाद वाली डायरेक्ट, बट एक जाम ही इतना भयानक हो जाता है ना जब ट्रेन क्रॉस करती है ना, तो जाम काफ़ी भयानक हो जाती है। ये देखो पीछे दिख रहा है ना जाम, देखो भाई। प्लस अभी तो कुछ नहीं, अभी सरंजीवी भी पास होने वाली है ना, तो उस टाइम भी और भी जाम लगेगा ज़्यादा। तो भाई हम लोग रॉन्ग साइड से आ गए थे, फाटक के उसी तरफ से बाबा का मंदिर जाने का, इधर से मे भी लगता है इधर से रास्ता होगा, बट पता नहीं, पहले किससे कंफर्म हो लेते हैं उसके बाद बताते हैं गाइस किधर से जाना। तो भाई कुछ लोग बोलते हैं यार फाटक के क्रॉस हो जाओ, कुछ लोग बोलते हैं फाटक से पहले ही है, मतलब रेलवे क्रॉसिंग है ना उससे पहले ही। तो जिधर से हम लोग आए उधर ही जा रहे हैं वापिस, क्योंकि संत बाबा का मंदिर इधर ही है, वापिस में ही है। तो अपन लोग बेफालतू का इसीलिए बिना नॉलेज का नहीं जाना चाहिए, बट देखो यार आप लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी नेक्स्ट टाइम से कभी आओगे ना तो। आप लोग भाई देखो अगर अपन लोग नई सराय से आते हैं ना, तो अपने को उधर नहीं जानी है, रेलवे स्टेशन तरफ नहीं जानी है, बस सामने आते जाओ आते जाओ, यहाँ आगे सब्जी मार्केट होती है, उसी के जस्ट बाजू से ये देखो ये वाली रोड जाती है, तो रेलवे स्टेशन जाने का कोई ये है ही नहीं गाइस। टू व्हीलर से अगर जा रहे हो ना, 4-व्हीलर 2-व्हीलर, तो रेलवे स्टेशन से मत जाना, इधर से ही घुस जाना अंदर, इधर से 4-व्हीलर 2-व्हीलर दोनों जाती है। हालांकि रेलवे स्टेशन के उस तरफ ही है गाइस, क्रॉस में ही है, फाटक क्रॉस करनी ही पड़ेगी, बट जिधर से हम लोग जा रहे थे उधर से बाइक वाइक नहीं जाती है, क्योंकि खेत खेत जाना पड़ता है। और सुबह मैंने बोला था ना रेलवे फाटक क्रॉस करनी होती है, ये देखो रेलवे फाटक 25,000 वोल्ट, और ये देखो सामने की साइड फाटक, तो ये वाली अपने को क्रॉस करनी है, फिर उस तरफ से मस्त वाला जा सकते हैं। ये देखो बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन सामने की साइड आए, रेलवे फाटक क्रॉस करके अपन लोग आगे आए, पहले में ही अपन लोग सोचे यार संत बाबा का मंदिर है, और फिर ये मास्क देखो अपना काफ़ी डेड हो चुका है, दूसरा मास्क लेने का सोच रहे हैं, ले भी लेंगे गाइज आज या फिर कल ले लेंगे। तो भाई क्या ही बोले यार, बस अंदर से वो खुशी होती है ना, वही खुशी संत बाबा के पास जा रहे हैं आज हम लोग, तो देखते जाते पहले, अभी तो अपन लोग भूखे पेट हैं, सोच रहे हैं पूजा भी कर लें, बट देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो पूजा करेंगे, वरना अपन लोग संडे को डेफिनेटली आएंगे और फिर पूजा भी करेंगे। फाइनली भाई देखो अभी हम लोग काफ़ी नज़दीक आ गए, ये रास्ता देखो कितना पतला सा है, मतलब कोई भी अच्छा सा मंदिर होते हैं ना या फिर कोई भी धाम होते हैं ना, उधर का रास्ता ऐसा ही होता है, क्योंकि भगवान हमेशा कठिनाई में ही बुलाते हैं गाइज, कभी तुम्हें ना अच्छे से नहीं बुलाएंगे, तो जितना कठिनाई करके जाओगे उतना पुण्य पाओगे। तो ये देखो गाइज, ये देखो जय संत बाबा, संत आश्रम न्याय समिति, ये देखो संत बाबा का मंदिर है,
देख रहे हो अभी उतना भीड़ नहीं है, बट संडे या फिर सैटरडे या फिर ट्यूजडे ये 3 दिन ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है भाई। और फिर वो अपना मस्त वाला बाइक लगा हुआ, और ये देखो मंदिर, मतलब पूरा सारा जगह खाली खाली, बीच में मंदिर, ऐसा ही जगह होना भी चाहिए मंदिर यार। ये देखो पूरा प्राकृतिक, ये बोलते ना ये नेचुरल नज़ारा है भाई, ऐसा नज़ारा में मंदिर दिखता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्यारा सा एकदम। सो ये संत बाबा का मंदिर है, फिलहाल अभी अपन लोग अंदर नहीं जाएंगे, अभी कुछ लेके बस ऐसे ही मन में एक श्रद्धा है तो श्रद्धा के नाम से ही ऐसे ही पूजा कर लेते इधर से ही। जय संत बाबा। सो गाय जो बड़ा वाला दिखा ना मंदिर, उसमें संत गुरुदेव बाबा वहाँ पे साधना करते थे, उनका तपस्या वाला, और फिर उनका फिलहाल अभी वो नहीं है, लेकिन वो इतना जसी है गाय यहाँ पे कि जो भी विश होती है ना कि उनका पूरा हो जाता है गाइज, लेकिन उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है, लाइक आप आओ पूजा करो अच्छे से, सच्चे मन से सच्चे दिल से पूजा पाठ करो, उसके बाद बाबा सुनते हैं और फिर उनका जो भी विश होता है ना, जो भी मनोकामना होती है ना, वो सारा पूरी होती है। तो अभी तो फिलहाल अपन लोग पूजा के इससे नहीं आए थे, क्योंकि आज अपन लोग अभी नहाए नहीं है गाइज, और बिना नहाए मेरे को नहीं लगता है कि पूजा पाठ, मतलब मैं नहीं करता हूँ बिना नहाए हुए, बट मन में एक श्रद्धा होती है ना, अगर श्रद्धा है ना तो कभी भी पूजा कर सकते हो, कोई कुछ नहीं होता। तो मैं तो गाइस अभी नहीं नहाया हूँ इसी कारण से पूजा नहीं किया। और हाँ इधर एक भी और है ना कि अगर आप नहीं भी स्नान करके आओ ना तो यहाँ पे एक कुआं है, वहाँ पे स्नान करके और फिर पूजा पाठ कर सकते हो, तो नहाने का भी यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा है गाइस, तो कुएं का। तो जो भी यहाँ के बारे में नहीं जानते हो ना वो गाइस प्लीज एक बार पता करके आओ, बट मैं रास्ता भी बता दिया गाइज कि सबसे पहले अगर जो भी आते हो ना सोसरा या फिर कहीं से भी आते हो ना, तो नई सराय से आगे आना रेलवे फाटक से, जहाँ पे सब्जी सब बिकती है ना, नई सराय से अंदर आओगे ना रेलवे स्टेशन की तरफ, उधर एक सब्जी मार्केट बहुत बड़ी होती है, उससे जस्ट आगे वाली एक रोड है ना, उधर से टर्न ले लेना लेफ्ट साइड, और फिर अंदर आते रहना, उधर से एक रेलवे फाटक क्रॉस होती है, फिर रेलवे फाटक क्रॉस होते के साथ मैक्सिमम 500 मीटर होगा, मैक्सिमम गज 500, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ 200 या 300 मीटर काफ़ी है, उधर से अंदर आओगे तो संत बाबा का ये मंदिर मिल जाएगा। तो आओ यार एक बार जरूर आओ, एक बार क्या आओ यार, मतलब 4-5 बार जो भी आते हैं ना उनका मनोकामना पूरा होता है गाइज, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोले, मेरा दोस्त भी ऐसा बोला है, तो इसी कारण से मैं आप लोग को ये बताया गाइज। तो प्लीज आना, और फिर मैं संडे को सोच रहा हूँ 4-5 संडे में भी, और 4-5 क्या जब तक अपन लोग यहाँ रहेंगे ना तब तक हर एक संडे को यहाँ पे आएंगे गाइज, सुबह सुबह 6 या फिर 7 बजे। तो अभी तो फिलहाल काफ़ी टाइम हो चुके, धूप भी काफ़ी घमासान वाला आ चुका है, तो अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं गाइज। सो अभी यहाँ से डायरेक्ट अपन लोग घर की ओर चलते हैं, क्योंकि घर में किसी को बताया नहीं है, बस ऐसे ही आ गए, और अपन लोग मेरे बारे में ना घर में कोई जानते भी नहीं कि अपन लोग यूट्यूब भी चलाते हैं, इसी कारण से घर से अभी अपन लोग काफ़ी दूर है, किसी को नहीं बताया अपन लोग यूट्यूब चलाते हैं। सो सोच रहे गाइज यहाँ पे वीडियो को एंड करें। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय गाइज। मतलब बोलते ना नेचर के बीच में एकदम मंदिर, ये देख रहे हो ये बीच वाला है ना, यही बीच में तपस्या किए थे मंदिर में, उनका एक मूर्ति भी है जो कि मैं संडे को दिखाऊंगा जब आऊंगा पूजा करने के लिए तब।